नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि बुधवार अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:30 बजे से पूरे दिन लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, उत्साही, दृढ़ निश्चय वाले, हिम्मती और अत्यधिक भावना प्रधान होते हैं। ये वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले, अनुसंधान प्रिय, यात्रा प्रिय, अच्छे संगति वाले और गुप्त कार्यों में निपुण होते हैं। इनके अंदर प्रतिशोध की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं। विदेश यात्रा में रुचि लेने वाले और अपना काम निकालने में निपुण होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में चलते रहेंगे, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा 8वें घर में नीच राशि में चल रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी और मां के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। मानसिक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। बातों के बुरा मानने की प्रवृत्ति बनेगी। साथ ही मन में कोमल भावनाओं का उद्गार बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी में लाभ संभव है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। परिवार में अनबन की स्थिति बन सकती है। बच्चों और अपने सुख सुविधाओं पर खर्च की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। छोटी यात्राओं का योग बना हुआ है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छोटी मोटी दिक्कतों में भी सावधानी आवश्यक है। गुरु का वक्री होकर 6वें भाव में बैठना और शनि मंगल की युति का 8वें भाव में होना, साथ ही चंद्रमा का नीच का होकर 7वें भाव में गोचर करना सावधानी की ओर संकेत देता है। हालांकि नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। हर काम मन मुताबिक पूरा होगा, मगर पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे, अधूरे काम पूरे होंगे। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर अचानक किसी काम में बाधा संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। खाने पीने में सावधानी बरतें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग आज बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। उत्साह में थोड़ी कमी महसूस होगी। व्यावसायिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, मगर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। धैर्य के साथ काम करते रहें, भावावेश में न आएं और किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास बना रहेगा, मगर मन में संकालु प्रवृत्ति जन्म लेगी और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करें, सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है।
माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। फिटनेस के लिए अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे। तुला राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आँखों व पित्त से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मन में उठ रहे अंतर्द्वंद से आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा। अपनी योजनाओं में वाद विवाद से बचें। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आर्थिक और व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है। आज का दिन पारिवारिक चिंता में उलझा रहेगा। आपके परिश्रम के अनुसार आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आय से अधिक व्यय की स्थिति संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोच में परिवर्तन संभावित है, मगर सकारात्मक ऊर्जा और काम करने की क्षमता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। दिमाग का रचनात्मक पहलू सक्रिय रहेगा, मगर धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कुछ कामों में रुकावट हो सकती है, मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आपके मेहनत के अनुरूप योजनाओं का विस्तार संभावित है। आवश्यक संसाधनों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मेहनत का लाभ मिलेगा व शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। शनि और मंगल का योग आपके 12वें घर में बन रहा है। आँखों से संबंधित और हड्डी से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे। किसी से अनावश्यक उलझना उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी, मगर पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे। आपके बुद्धि कौशल से बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे। किसी महिला के सहयोग से आपके कामों में सहूलियत मिल सकती है। भाग्य साथ देगा और लाभ मिलता जाएगा। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा और अधिकारी पक्ष में रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। योजनाएं बाधित हो सकती हैं। मीन राशि वाले जातकों के सक्रियता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने ही कामों पर संदेह की स्थिति संभावित है और कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कोई आरोप लग सकता है और साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधानी बनाए रखें। आपके भावुक होकर कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।